टीकमगढ़ जिले के खरगापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार लापरवाहियां सामने आने लगी थी और प्रसूताओं के द्वारा नर्सों पर रुपए लेने का आरोप लगाए जा रहे थे। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं को बिछाने ओढ़ने के लिए कपड़े न मिलने की भी शिकायतें आ रही थी और चाय नाश्ता ना दिए जाने की बात भी शिकायत के रूप में सामने आई थी। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर 1000 रुपए और इस तरह से कई शिकायतों के बाद SDM सौरभ मिश्रा ने खरगापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जहां पर कई लोगों ने नर्सों द्वारा रुपए लेने का आरोप लगाया। साथ ही SDM और खंड चिकित्सा अधिकारी के समक्ष हितग्राहियों ने बताया कि यहां पर जन्म प्रमाण पत्र और डिलीवरी कराने के नाम पर नर्सों द्वारा रुपए लिए जाते हैं और रुपए न देने पर उन्हें टीकमगढ़ रेफर करने की धमकी दी जाती है। जब SDM ने नर्सों को बुलाने की बात कही तो नाइट ड्यूटी पर तैनात नर्स घर जा चुकी थी, जिस पर SDM सौरभ मिश्रा ने खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ रावत को निर्देश दिए कि वह उक्त मामले को गंभीरता से लें और किसी भी प्रकार से हितग्राहियों को परेशान नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर महिलाओं को परेशान किया जाता है, उनके साथ किसी भी प्रकार से गलत व्यवहार किया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बताया कि नर्सों के द्वारा जो रुपए लिए गए हों तो उनको तत्काल वापस कराया जाए, साथ ही इस प्रकार से आगे शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बताया कि पिछले रिकॉर्ड की भी जाँच की जाएगी कि गर्भवती या प्रसूता महिलाओं को सेवा शुल्क के नाम पर यदि परेशान किया जाता है या उन्हें नॉर्मल स्थिति होने पर भी जिला चिकित्सालय रेफर किया जाता है तो इस तरह के रिकॉर्ड की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। साथ ही समस्त प्रसूताओं और हितग्राहियों को बताया कि समस्त सेवाएं निशुल्क हैं और किसी भी कर्मचारी को कोई हितग्राही रुपए नहीं देगा। यदि रुपए की मांग की जाती है तो तत्काल फोन पर सूचित किया जाए। साथ ही समस्त सुविधाएं प्रसूताओं और अन्य रोगियों हितग्राहियों को निःशुल्क प्रदान की जाए। किसी भी प्रकार से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस तरह के मामले यदि दोबारा आते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई होगी। वहीं विश्वसनीय सूत्रों से यह ज्ञात हुआ कि SDM के आने के पहले ही कक्ष में बिस्तर और लाल कलर के कंबल दिए गए। रात्रि लगभग 7 बजे CMHO द्वारा भी निरीक्षण किया गया, लेकिन CMHO द्वारा बताया नहीं गया कि क्या कार्रवाई की गई। सर, काफ़ी शिकायतें मिल रही थी, नर्सों द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं, आपने आज निरीक्षण किया है, सर क्या पाया गया? जी बिल्कुल, समाचार पत्रों के माध्यम से और हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी कल की कि यहाँ पर डिलीवरी में लोगों को दिक्कत हो रही है, प्रसूताओं के जो परिवारजन आते हैं उनको दिक्कत है या पैसे के लेन देन की भी कुछ शिकायतें आईं। और जितनी भी शिकायतें मिली जो समाचार पत्रों के माध्यम से 3-4 प्रकरण जो सामने आए हैं, उन सभी शिकायतकर्ता या जो हितवद हैं उनको बुलाया गया है और डॉक्टर साहब यहाँ पर उनसे पूछेंगे, यदि पैसे लिए हैं तो तत्काल वापस करवाएंगे। और जो संबंधित हमारे कर्मचारी हैं, यदि स्टाफ नर्स हैं कुछ भी, उनको समक्ष में मैंने बहुत अच्छे से आज समझाया है, चेतावनी भी दी है और उनकी विभागीय जांच भी शुरू कर रहे हैं, उनके प्रकरण रेंडमली देखेंगे और आम जनता से भी पूछेंगे यदि किन्हीं के बच्चे यहाँ पर जो पहले हुए हैं किसी को कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल निडर होकर शिकायत प्रस्तुत करेंगे। और अभी आज मैंने पूरे अस्पताल का निरीक्षण भी किया, उसमें देखा कि स्टाफ की कमी तो है, एक ही मेडिकल ऑफिसर है हमारे पास और स्टाफ नर्स में तो हैं, ठीक हैं, लेकिन जो ड्रेसर हैं या फार्मासिस्ट हैं वो यहाँ नहीं हैं, तो CMHO साहब से बात करके यहाँ स्टाफ सुनिश्चित कराएंगे और रेगुलर मैं भी और BMO साहब को भी मैंने निर्देशित किया है कि वो यहाँ पर विजिट करते रहें और इस क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत ना आए इसको हम सुनिश्चित करें। सर, स्टाफ नर्स हैं जो, उनकी पहले भी काफ़ी शिकायतें आती जाती रही हैं पैसों के मामले में, तो सर ऐसा आखिर क्यों चलता है? नहीं बिल्कुल, ऐसा यदि है तो बहुत गंभीर मतलब वो है बात है और ऐसी शिकायत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तत्काल कार्रवाई के मैंने निर्देश दिए हैं BMO साहब को, CMHO साहब को भी बताऊँगा मैं आज। और यदि कोई भी हितग्राही आगे भविष्य में, मैंने यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से बोला है, आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा, ये शासकीय अस्पताल है और शासन का जो शासन की मंशा है कि प्रत्येक हितग्राही को, हर एक जरूरतमंद को स्वास्थ्य की सुविधाएं सर्वोच्च उपलब्ध संसाधनों के साथ मिलें, वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। एक भी शिकायत ऐसी नहीं रहेगी जिस पर कार्रवाई ना हो और आगे से मैं खुद सुनिश्चित करूंगा कि ऐसी कोई दिक्कत ना जाए, किसी से कोई भी असुविधा का सामना किसी को ना करना। सर, जन्म प्रमाण पत्र लेने आते हैं उस तरीके से 1000 रुपये मांगे जाते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र या कोई बात है तो उसमें जो डिलीवरी के टाइम के रिकॉर्ड हैं, यदि जैसे आज भी मेरे सामने एक व्यक्ति आए, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे तो हमारे जो रिकॉर्ड है उसमें देख के और उनका जन्म प्रमाण पत्र इशू किया जाएगा। टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।